ये मॉनेस्ट्री का नाम क्या है? टोंडे मॉनेस्ट्री। हाँ, टोंडे, टोंडे मॉनेस्ट्री, टोंडे, 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 टोंडे। हाँ, अच्छा। एक दो तीन चार, यहाँ पर चार टेंपल है। सो गाइस, यहाँ पर एक और मंदिर है, ये वाला, जो कि 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। पुराना लॉक है ना ये? हाँ, ये मुझे शिव भगवान जैसे लग रहे हैं, महादेव जैसे लग रहे हैं। ये इसमें पत्थर लगाते हैं ना, पत्थर लगा के घुमा के फेंकते हैं ना, और इसके अंदर माता काली है, जो साल में सिर्फ 7 दिन के लिए इनका पाठ खोला जाता है। सो गाइस, जा रहे थे हम फोर्ट, लेकिन यहाँ एक मोनेस्ट्री है, बताया गया था कि बहुत खूबसूरत है, थोड़ा टॉप में है, ऊपर पहाड़ में, तो पहले वहाँ चलेंगे, मोनेस्ट्री जा रहे हैं हम, उसके बाद जाएंगे फोर्ट। सो गाइस, बाइक हमने सामने वहाँ पार्क कर दी है, और मोनेस्ट्री जाने का रास्ता आई थिंक ये है यहाँ से, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तब को दिखाएंगे अंदर की खूबसूरती, कि मोनेस्ट्री अंदर से कैसा है। चलें, चढ़ना ऊपर है क्या? मुझे तो पता नहीं कहाँ चढ़ना है। एक रास्ता जा रहा नीचे, यस पहले चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं। कॉटन क्लाउड्स लग रहा है, रुआ लगा दिया किसने आसमान में। ओ यार भाई, ग्रीन ब्लू, क्या मस्त लग रहा है यहाँ से देखो। और ऊपर आई थिंक ये मोनेस्ट्री है, रास्ता कहाँ से मुझे नहीं पता, ये भी एक रास्ता दिख रहा है जाने का, और सामने भी एक रास्ता है, सामने रास्ता मोनेस्ट्री जाने का। बहुत तेज हवा चल रही है, आपको विंड नॉइज आ रहा होगा, सो इग्नोर दैट, बस व्यू उसका मजा लीजिए। यहाँ से भाई जो व्यूज है ना, रुको मैं जाता हूँ स्पॉट पर, को दिखाता हूँ वहाँ से। सो उस वे से हम आ रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ से ये नज़ारा दिखा है, और ये है जाने का रास्ता। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, ड्रोन जरूरत नहीं लगती इसमें, ये हो गया ड्रोन शॉट। हाँ, हवाएं बहुत तेज है, हम वो दिख रहे हो ब्लैक रास्ता, वहां से चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। सो चलते हैं अंदर, और आपको दिखाते हैं अंदर से नजारे। कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सुनसान, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है पूरा। बड़ी सी है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा है। इधर भी एक सीढ़ी जा रहा है, जा रहा ऊपर, चलते हैं ऊपर। सो गाइस, इधर से हम लोग आ रहे हैं, और ये है मॉनेस्ट्री का एंट्री गेट, देख सकते हैं अंदर प्रेयर चल रहा है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस सुनना।
नीचे सबसे पुराना है। हाँ, कितना पुराना है? 1000 साल। 1000 साल पुराना है। चले नीचे फिर। आपका नाम क्या है? लामा लोटस। लामा लोटस। उनका नाम लामा लोटस है और 1000 साल पुराना जो अंदर मॉन्स्ट्री है हमें वो दिखाने ले जा रहे हैं। लामा जी, ये किसके नाम पे बना हुआ है मॉन्स्ट्री पूरा और कितना साल पुराना है? 1000 साल। 1000 साल पुराना है। और किसके नाम पे बना हुआ है? लामा मार्वा। ओके, तो ये मेन मॉन्स्ट्री है। सो गाइस, हमने भी वहाँ पर आपको मॉनेस्ट्री दिखाया उसके अंदर में, और इसके अंदर में है 1000 साल पुराना मॉनेस्ट्री। बस पत्थर का कलर ये देख लो, पत्थर के कलर से ये बने हुए 1000 साल पुराने। ये पत्थर का कलर ही है ऐसा, इसमें कोई कलर यूज नहीं किया गया है। अंदर जाएगा तो सिर थोड़ा नीचे जाए। भाई ये एपिक है यार, 1000 ईयर ओल्ड। यहाँ पर भी प्रेयर होती होगी? हाँ। भाई यहाँ पर कोई कलर यूज नहीं किया गया है, ये बस स्टोन का कलर ही ऐसा है। तरह तरह ये हमारे बुद्ध जी रहे, अंदर से भी दिखाते हैं आपको कैसा है। फिर इनको पहनकर डांस वगैरह जो ट्रेडिशनल डांस होता है। काली देवी इधर है। क्या चीज? काली देवी। हाँ, एक साल में इसके अंदर। देख नहीं सकते अभी। साल में एक बार खुला। सारे यहाँ देवी देवता यहाँ पर इनके भगवान। अच्छा, साल में 7 दिन। इनका नाम नहीं पता मुझे, मैं उनको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या है? ये नया साल आता ना। हाँ, फिर गौ लौने लेता है। अच्छा, फिर एक साल रहना पड़ता। ये सब आटे का बना हुआ है ना? ये आटे का। हाँ, ये याक वाक जैसा बांध के लिया। याक बना रखा है, बकरी बना रखा है। तो काफी सारे जो ये जो लोग पालते होंगे तो उनको बनाया हुआ है, जिससे कि दूध मिलता है, सारी चीजें मिलती है, डेरी प्रोडक्ट जो मिलते हैं। माँ काली है, ये बछरे 7 दिनের জন্য খোলা হয়, 7 দিন দর্শনের জন্য খোলা। पिस्तौल है पहाड़ी लोगों का, इसमें पत्थर लगाते हैं ना, फेंकते हैं बकरी वगैरह को भगाने के लिए, वो सब होता है पालू को। और ये बजा के यहाँ प्रेयर करते हैं सुबह 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर ना, रोज हर रोज 1 घंटा इधर पूजा होता है। और यहाँ पर देखिए इनके देवी देवता यहाँ पर है। ये मुझे शिव भगवान जैसे लग रहे हैं, महादेव जैसे लग रहे हैं। ये जैसा
और इसके अंदर माता काली है जो साल में सिर्फ 7 दिन के लिए इनका पाट खोला जाता है, बाकी टाइम ये बंद रहता है। मैंने आपको दिखाई दिया ये लेह में भी मिलता है ना कुछ ऐसा फेस्टिवल में कि यही मास्क पहन के आप लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल जब होता है इनका तो यही सारे मास्क पहन के फेस्टिवल को मनाया जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है इसलिए मैंने मोबाइल की फ्लैश जला रखा है। ये कौन कौन से भगवान है? अच्छा ये शिव जी है। और ये इधर तंडीम। ये मोनेस्ट्री का नाम क्या है? टोंगदे मोनेस्ट्री। टोंगदे। अच्छा तो इस मोनेस्ट्री का नाम टोंगदे मोनेस्ट्री है और यहाँ पे प्रेयर होती है रोज सुबह 1 घंटे के लिए हर रोज। और यहाँ लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं। और ये मोनेस्ट्री जो है 1000 साल पुरानी है। और यहाँ पर रोशनी के लिए देखिए ऊपर से ऐसे बना रखा है खिड़की ताकि वहां से रोशनी आती है अंदर। यह बाहर भी ऐसा कलाकारी किया हुआ है, काफी खूबसूरत है देख सकते हैं। सो गाइस ये जो है मोनेस्ट्री का आंगन है बीच में बिल्कुल, और उसके अंदर था 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री और ये नया वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं कमर तक स्नोफॉल जब होता है तो बर्फ जम जाता है। ये यहाँ का आंगन है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 टेम्पल है। एक तो वो हुआ वहाँ पर, एक इधर ऊपर में है, एक उधर वहाँ पर है नीचे, और एक यहाँ पर नीचे है। ये वाला है एक नस्ल पुराना है। कितना साल पुराना है ये? ये तो 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा ना? हाँ। अभी भी अच्छा से घूम रहा है। हाँ। इसको क्या कहते हैं? माने। हाँ। अच्छा इसके अंदर क्या टेंपल है? इसके अंदर देखना, अभी देख सकते हैं? देखेगा तो हम खोलेगा। अच्छा सो गाइस यहाँ पर एक और मंदिर है ये वाला जो कि 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। तो लामा जी ने बोला अभी मुझे दिखाएंगे तो वो चाबी लेके आ रहे हैं, फिर इसको अंदर से देखते हैं अंदर कैसा है। पुराना लॉक है ना ये? हाँ अलग तरह का लॉक है ये। अलग टेक्निक का लॉक है ये। हाँ सो गाइस ये 1000 से ज्यादा साल पुराना मोनेस्ट्री है यहाँ पर ये मंदिर इनका। और यहाँ पर भी वॉल पेंटिंग किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप। सब तरफ गौतम बुद्ध की पेंटिंग की हुई है यहाँ पर और ये सारा पत्थर पे किया हुआ है। देख सकते हैं सारा ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। चारों तरफ पेंटिंग किया हुआ है यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पर दिया जल रहा है इनका और चारों तरफ खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग किया हुआ है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध विराजमान है और ऊपर से सनलाइट के लिए ये है यहाँ पर ताकि यहाँ पर सनलाइट आता रहे।